अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्डियन इन्फो। अभी मैं शाम को छत पे आया था कुत्तों को दाना डालने, क्योंकि मौसम थोड़ा ख़राब हो गया यहाँ पे। ये देखें, बादल आ गए हैं, बारिश का चांस बन रहा है। रात भी यहाँ पे काफ़ी बारिश होती रही है, काफ़ी लेट नाइट, तो अभी भी मैं लग रहा है कि बारिश का मौसम बन रहा है। ये देखें, अभी कबूतर दाना डालने आया था तो ऊपर यहाँ पे दो कबूतर उड़े थे किसी के, तो एक को ग्रीन रंग लगा था और एक को पिंक रंग लगा था। तो मैंने कहा शायद अगर आके बैठ गए तो आप लोगों को भी उनका शौक कराऊंगा। ये देखिए माशाल्लाह, कबूतरों को मैंने दाना डाला। आए मैं आपको अपने कबूतर दिखाता हूँ। अभी इन सबको दाना डाला हुआ है, यहाँ पे दाना खा रहे हैं। ये देखिए, ये बीच में ये गोल्डन पट्टा है, ये भी नीचे से मैं ऊपर लेके आया हूँ। मैंने आपको बताया था कि जितने मेरी जो नीचे भीड़ निकलती है, बच्चे निकलते हैं, मैं ऊपर ला के छोड़ देता हूँ। इसकी भी थोड़ी आँख ख़राब है, इसकी भी थोड़ा आँख का ट्रीटमेंट चल रहा है। ये देखिए थोड़ी बेहतर हुई है। आजकल आँखें काफ़ी ख़राब हो रही हैं कबूतरों की भी, और आजकल सुना है मैंने कराची में भी आईज की प्रॉब्लम आई हुई है काफ़ी ज़्यादा, उधर से मुल्तान में भी आ गई है, इस्लामाबाद में भी आ गई है। तो हम लोग को चाहिए कि अपना एहतियात करें। ये देखें, ये कबूतरों को पीछे देखें, टेडी कबूतर सीने पे सबज रंग लगा है। ये देखें, ये माशा चेक करें, हमारा शेरकोटी कबूतर पट्टे घर का। ये पीछे टैडी कबूतर, टैडी ब्रीड है, वो पीछे खाकी। देखिए अभी दाना डाला, सारे कबूतर नीचे आ रहे हैं, बाकी ऊपर बैठे हैं। ये हमारी दो बार कबूतरी। वो पीछे गोल्डन कबूतर है हमारा। देखिए अभी सारे कबूतर नीचे उतर आएंगे, नीचे उतर के सारा दाना खाएंगे। आजकल सब ने कबूतर बाजियों में उड़ाने होते हैं, तो इसलिए आजकल हम कबूतरों खाली बाजरा डालते हैं, ताकि कबूतरों में चर्बी ना चढ़े, जिससे उससे कबूतर भारी ना हो, क्योंकि भारी होकर भी कबूतर आगे पीछे गिरने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो इसलिए हमें खाली हल्का दाना ही डालते हैं बाजरा, क्योंकि फिर बाजरा ने कई फ़ायदा है कि बाजरा कबूतर को हज़म जल्दी हो जाता है, और साथ में हम इन्हें डिफरेंट मल्टीविटामिन यूज़ कर लेते हैं। यानी कि अगर कबूतर थोड़े सुस्त और बीमार हो, पेट शेट का मसला हो, तो उसके लिए हम इन्हें फ्लैजल सिरप, लाइसोवेट, जेटिपार, और किसी कबूतर को बुखार वगैरह हो जाए तो हम ब्रूफन सिरप वो पानी में एक एक ढक्कन डाल के एक लीटर पानी में मिक्स करके वो डालते हैं, तकरीबन 2 से 3 दिन तक मैक्सिमम। उससे माशाल्लाह कबूतर रिकवरी जल्दी हो जाती है और कबूतर दोबारा से तंदुरुस्त और फिट फाट हो जाते हैं। बस हमें मौसम थोड़ा चेंज होता है, बस कबूतरों को थोड़ा ख्याल करना चाहिए, क्योंकि वेदर जैसे चेंज होता है तो उससे भी कबूतरों में काफ़ी किस्म की बीमारियां आ जाती हैं। तो अभी भी वेदर की समझ नहीं आती, कभी बीच में गर्म हो जाता है, कभी बीच में सर्द हो जाता है। अभी कुछ दिन पहले मौसम बहुत ज़्यादा गर्म था, सर धूप रखने शुरू हो गई थी कि जैसे फिर से जून जुलाई वापस आ गया, तो फिर एकदम अचानक बीच में फिर बारिशें शुरू हो गई हैं, मौसम फिर ठंडा हो जाता है। ये ठंडा गर्म मौसम भी कबूतरों में बहुत ज़्यादा बीमारियां लेके आता है, क्योंकि इंसानों को भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है, तो ये तो फिर परिंदे हैं, इन्हें बहुत जल्दी अफेक्ट करता है। तो इसलिए हमें चाहिए कि मौसम जैसे ही चेंज हो तो कबूतरों को साथ साथ थोड़ी थोड़ी कोई ना मेडिसिन वगैरह डालते रहा करें, तो उससे कबूतर आपके सेट रहते हैं। देखिए माशाल्लाह, पीछे से आपको भी दिखाता हूँ। यहाँ पे जो मेरी टैडी ब्रीड है वो भी इधर अंदर ही मैंने छोड़ी हुई है, जो मेरे ब्रीड के लिए रोके हुए कबूतर। अब ये सारे उड़ के ऊपर चले गए।
ये देखिए चेक करें, चपली कबूतरी है मेरी, ये भी मेरी बिल्कुल ये रोकी है। ये देखिए माशाल्लाह कितनी खूबसूरत कबूतरी है, ये हमने बेच लिए रोकी भी। और ये देखिए फेरी मादी चेक करें, हाँ देखिए उसकी माशाल्लाह। देखिए हाँ देखें खड़ा होना चेक करें उस कबूतरी का, ये भी हमें अभी हमने रोक लिए क्योंकि ये रात बाहर रहना शुरू हो गई थी, तो हमने कहा कि यूँ ने ये हमारी अपनी गलती से कबूतरी ज़ाया हो जाए। देखिए पिछला अंगूठा देखें कैसे उठाया कबूतरी ने, देखें माशाल्लाह चेक करें कबूतरी। ये जो मैं चपड़ी कबूतरी दिखाई थी उसकी ये बहन है जो भी आई है ये वाली, ये जोड़ा ज़्यादातर मादिया निकाल है, ये तकरीबन ज़्यादातर मादिया निकालता है, कबूतर नर बहुत कम निकाले हैं जोड़े ने, जितनी भी निकाली है सारी मादिया निकाली है जोड़े ने। देखिए बाकी कबूतर आपको दिखाता हूँ अंदर, बाकी ये है टैगी कबूतर 48 नंबर, 48 जोड़ा उसका पट्ठा, ये भी हमने बेच लिए रोका। ये देखिए हाँ जो कबूतर है तो बैठता बैठता निकल गया, वरना वो कबूतर में पकड़ता मैं आपको उसका शौक लाज नहीं कराता। ये देखिए माशाल्लाह कबूतर सारे जाले में बैठे हैं, व्यू देखिए पीछे आसमान का कितना अच्छा व्यू आ रहा है। चलिए कबूतर डर के अंदर चले चले बाहर आता हूँ, तो कबूतर बाहर निकले तो आपको दिखाता हूँ। अभी मैं आया था छत पे कबूतरों का दान डालने, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको कबूतरों का शौक भी करा दूँ साथ में। ये देखिए कबूतर आस्ता आस्ता ऐसे उतरे, ये देखिए सरकारी पर आती कबूतरियाँ हमारी, ये देखिए खुश हो रही है, ठापे मार रही है कबूतरी बाहर आके। इंशाल्लाह कल को मैं इन सब कबूतरियों को खोलूँगा और इनको बाहर छत पे ताकि हल्का फुल्का ऊपर नीचे बैठे कबूतरियाँ, फिर उसके बाद इन्हें मैं उड़ाऊँगा। ये देखिए कबूतर नीचे उतरना शुरू हो गया, ये उतरा टैडी 48 पट्ठा। ये पीछे दरवाजे पे गोल्डन पट्ठा आके बैठा है, चेक करें कितना खूबसूरत है। ये देखिए वो चेन पे टैडी पट्ठा 29 ब्रीड हमारी, ये हमारा सबसे पुराना कबूतर है मोतियों वाला माशाल्लाह, चेक करें अभी ब्रीड करता है कबूतर ये हमारा, डर के पीछे चला गया।